बस हमको यूज करना है। देखो द बिजनेस इज ऑफ यू नो द वॉल्यूम्स, कि वॉल्यूम्स कैसे बढ़ेंगे। यहाँ पे एक टेक्निकल गलती, एक बेसिक आम गलती लोगों की क्या हो रही थी, या तो ये लोगों के पीछे भाग भाग के अपना टाइम खराब कर रहे थे, या एक व्यक्ति को पकड़ के बैठ गए नॉन की समझाने के लिए, स्पिरुलिना समझाने के लिए, एक सारा दिन निकल गया, आया कितना पीवी ले दे के 50 पीवी 60 पीवी। ठीक है, अब मैंने सोचा कि यार ये वाली प्रॉब्लम क्या करें, तो व्हाट आई डिड, मैंने प्रोडक्ट की पिचिंग बदल दी, हमने प्रोडक्ट बेचना छोड़ दिया। हमने क्या करा, हमने प्रॉब्लम दिखानी है, प्रॉब्लम का समाधान वेस्टिज के प्रोडक्ट्स के द्वारा। सिंपल है, मैं आपको एक सिंपल बताता हूं कि अगर मैं सेगमेंट की बात करूं तो डायबिटिक सेगमेंट और कार्डियक सेगमेंट, ये दोनों इतने बड़े सेगमेंट हैं जहां पे हर घर में आपको एक कार्डिया का रोगी मिल जाएगा, बीपी और शुगर का तो मिल ही जाएगा। तो हमने ये वाला सेगमेंट पे फोकस करा, तो उसकी जो एक मैंने थीम बनाई, मैंने इतना आसान कर दिया कि लोग सिंगल प्रोडक्ट नहीं लेंगे, एक बकेट ऑफ प्रोडक्ट्स लेंगे। कैसे, जो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, लोगों की जो हार्ट अटैक आती है, ये वाली जो प्रॉब्लम होती है, आप बताओ कि ब्लॉकेज में अगर आप देखोगे तो कोलेस्ट्रॉल होता है, सेल डेबरी होती है और कैल्शियम होता है। ठीक है, ये तीनों जम के ना, मतलब एक जगह ब्लॉकेज बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और एक समय आएगा जब बिल्कुल ब्लॉकेज बीच में फंस जाएगा और खून एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जाएगा। दैट इज द सिचुएशन वेयर वी कॉल के हार्ट अटैक। ठीक है, अब मेरा सवाल है कि भाई हार्ट अटैक से कैसे बचें, ये वाली ब्लॉकेज कैसे साफ करें। अगर यहाँ पे होता है तो हार्ट अटैक, अगर आपके ब्रेन में जो आर्टरी आपके दिल को आपके दिमाग से जोड़ती है, कैरोटिड आर्टरी, अगर वो वाली ब्लॉक होती है तो आपको स्ट्रोक हो रहा है। आज देखो कितने लोग स्ट्रोक से पीड़ित है, समाधान क्या है। तो बात ये है कि वेस्टिज के प्रोडक्ट्स ना कुछ अपने अंदर ऐसी खूबी लेके आते हैं, हम सिर्फ प्रोडक्ट बताते हैं मगर उसके अंदर एग्जैक्टली क्या है साइंटिफिकली हम लोग बता नहीं सकते, क्योंकि मैं फार्मा बैकग्राउंड से हूँ तो मैं जानता हूँ। सर आपने फ्लैक्स ले लिया, आपने क्रिल ले लिया, तो आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो घटेगा, ठीक है, मगर जो कैल्शियम की जो ब्लॉकेज है वो तो नहीं हटेगी, वो कैसे हटेगी। दूसरा सवाल है, कैल्शियम यार उसका काम तो हड्डियों में है, नाखून में है, बाल में है, और खून में 1% का होता है, मगर वहां पे इतनी कैल्शियम कैसे जुड़ जाती है। दैट इज कॉल्ड कैल्सिफिकेशन ऑफ द आर्टरीज, के आर्टरीज में कैल्शियम फंसा पड़ा होता है। तो ये जो खून के द्वारा जो कैल्शियम जाता है, इसको निकालने के लिए ना ऊपर वाले ने ऑस्टियोकैल्सिन नामी एक द्रव रख के छोड़ा हुआ है। ठीक है, ऑस्टियोकैल्सिन क्या करता है, आपके रगों में फंसी हुई कैल्शियम को निकालता है, हड्डियों में लेके जाके डालता है। मगर ऑस्टियोकैल्सिन के साथ जीएलएमएटिक्स, ये दोनों द्रव होते हैं, ये दोनों द्रव के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये काम नहीं करते, ये लोग आलसी हैं, पड़े रहेंगे। इनको काम करवाने के लिए एक हेडमास्टर की जरूरत है, वो हेडमास्टर कौन है, वो हेडमास्टर विटामिन K2। ठीक है, विटामिन K1 होता है, K2 अलग होता है। K1 वो है आपको जख्म लगा कटा फाइब्रिनोजिन के, जैसे ही वो वहां पे खिपला बन जाता है वो विटामिन K1 है, मैं बात कर रहा हूँ विटामिन K2 की। ये जो विटामिन है आपको बाहर से लेना पड़ता है, ये विटामिन जब आप लोगे तो ये करेगा क्या, ये जो जीएलए मैट्रिक्स और ऑस्टियोकैल्सिन, ये जो दोनों द्रव जो कैल्शियम को आपके रगों से निकालते हैं, इनको एक्टिवेट करते हैं। जैसे ही ये वाले द्रव एक्टिवेट होते हैं होगा क्या, ऑटोमेटिकली आपके रगों से कैल्शियम निकल के जाके हड्डियों में चिपक जाती है। तो हड्डियों में कैल्शियम चिपकी तो हड्डियां मजबूत, और आर्टरी से कैल्शियम निकली तो आपकी आर्टरी बिल्कुल साफ। अगर यहाँ की आर्टरी साफ हो गई तो आप हार्ट अटैक से बच गए, अगर यहाँ की आर्टरी से कैल्शियम निकल गया तो आप स्ट्रोक से बच गए, किडनी में जो कैल्शियम है वो निकल गया तो किडनी स्टोन से बच गए, अगर हड्डियों में पैरों के नीचे अगर हड्डी में जाके जहाँ पे कैल्शियम फंस जाती है वहाँ पे पैरों में दर्द वो भी साफ होता है। तो सवाल ये है कि विटामिन K2 हमारे प्रोडक्ट्स में कहाँ पे है, जवाब आसान है, LRG9। हमारा LRG9 ब्लड प्रेशर मात्र कंट्रोल नहीं करता, उसमें विटामिन K2 भी डाली हुई है। तो आप क्रिल लोगे, फ्लैक्स लोगे और विटामिन K2 लोगे, LRG9 लोगे, एक महीने का कोर्स, ठीक है, उसके साथ CoQ10 लोगे। CoQ10 वो वाला विटामिन है जो कि हार्ट, किडनी, लिवर, लंग, चार वाइटल ऑर्गन्स को ताकत देता है। तो साहब मैंने आपको चार प्रोडक्ट्स गिना दिए, ये चारों प्रोडक्ट्स की आप मतलब पॉइंट लगा के देख लो 100 PV से क्रॉस कर जाएगा। हम कहाँ पे लोगों को एक एक दो दो पीवी के लिए मतलब साबुन तेल के चक्कर में मारे फिर रहे हैं। और ये बताओ कि लोग क्यों नहीं बचना चाहते बीमारियों से, कौन हार्ट अटैक से मरना चाहता है, ठीक है, और कम से कम इसको खाना पड़ता है 3-4 मंथ्स। तो मेरे लिए
150 से 200 पीवी का ऑर्डर तैयार हो गया फॉर 4 मंथ्स टू 6 मंथ्स।